हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग मोड कैलकुलेशंस के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वर्टिकल, चोकर, बास्केट पैरेलल, टू लेग स्लिंग और फोर लेग स्लिंग में जो है वर्कलोड लिमिट जो है वो कितना होना चाहिए, ताकि जो है हम लोड को जो है सेफली वहां पर उठा सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिफ्टिंग मोड को जानने से पहले जो है हमें जानना जरूरी है कि सेफ वर्किंग लोड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेफ वर्किंग लोड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पर डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है रोप के डायमीटर को, और वो भी इंचेस में। अब कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक वायर रोप स्लिंग है जिसका डायमीटर है 1.5 इंच। अब ये जो वायर रोप स्लिंग का जो डायमीटर है इसको हम फार्मूले में पुटअप करते हैं, तो वो हो जाएगा सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 8। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 18। अब इस कैलकुलेशन का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास 1.5 इंच डायमीटर का अगर रोप है तो उसका सेफ वर्किंग लोड हो जाएगा 18 टन्स, यानी कि 18 टन तक जो है हम लोड को उठा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं लिफ्टिंग मोड के बारे में। तो लिफ्टिंग मोड जो है वो अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि वर्टिकल हो, चोकर हो, बास्केट पैरेलल, या फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, टू लेग स्लिंग हो या फिर फोर लेग स्लिंग हो। तो ये जो है ये लिफ्टिंग मोड के अलग अलग जो है वो टाइप्स आते हैं। अब हर एक जो लिफ्टिंग मोड है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम ज्यादा जो है वो होती रहती है। अब इसको जो है हम कुछ एग्जांपल से समझने वाले हैं। जैसा कि एक स्लिंग है जिसका वर्किंग लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्क लोड लिमिट जो है वो है 500 kg। अब ये जो 500 kg वर्क लोड लिमिट है ये हम उठा सकते हैं खाली वर्टिकल पोजीशन में ही। लेकिन अगर हम बात करें कि मटेरियल को जो है हम चोकर की सहायता से अगर उठाना चाहते हैं तो इसका जो वर्कलोड लिमिट है वो कम हो जाएगा, जो हो जाएगा 400 kg। सेम उसी तरह से ये जो अगर स्लिंग है इसका अगर हम बास्केट पैरेलल के रूप में अगर उस मटेरियल को उठाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो वर्किंग लोड लिमिट है वो बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा 1000 kg। सेम उसी प्रकार अगर हम बास्केट 30 डिग्री में अगर इसको उठाते हैं तो इसका वर्कलोड लिमिट हो जाएगा 950 kg। बास्केट 60 डिग्री में अगर हम इसको उठाते हैं तो इसका वर्कलोड लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 850 kg, और 90 डिग्री में हो जाएगा 700 kg। अब अगर हम मटेरियल को उठाने के लिए दो स्लिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका वर्कलोड लिमिट हो जाएगा 700 kg। सेम उसी प्रकार अगर हम चार लेग स्लिंग का अगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो वर्कलोड लिमिट हो जाएगा 1050 kg। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वर्कलोड लिमिट अगर किसी स्लिंग का वो अगर 500 kg है तो उसके लिफ्टिंग मोड में जो है उसका वर्कलोड लिमिट जो है वो अलग अलग आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम उसी प्रकार अगर हमारे पास एक स्लिंग है और जिसका वर्कलोड लिमिट है 1000 kg, तो इस स्लिंग का अगर हम मटेरियल को उठाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी वर्टिकल में, तो इसका जो वर्कलोड लिमिट हो जाएगा 1000 kg। लेकिन अगर हम इसका चोकर की सहायता से अगर मटेरियल उठाते हैं तो वो हो जाएगा इसका वर्कलोड लिमिट 800 kg। बास्केट पैरेलल में जो है इसका हो जाएगा 2000, वैसे ही बास्केट 30 डिग्री में हो जाएगा 1900, 60 डिग्री में हो जाएगा 1700, 90 डिग्री में हो जाएगा 1400, और टू लेग स्लिंग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सेम कैपेसिटी वाली, तो इसका वर्किंग लोड लिमिट हो जाएगा 1400, और सेम इसी प्रकार चार लेग स्लिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका वर्कलोड लिमिट हो जाएगा 2100। सेम इसी प्रकार अगर आपके पास तीसरी स्लिंग है और उसका वर्किंग लोड लिमिट है वो है 2000 kg यानी कि 2 टन, तो उसका जो है रिस्पेक्टिवली जो है इसका वर्किंग लोड लिमिट आएगा। सेम इसी प्रकार 3000 kg वाली स्लिंग का हो, या फिर 4000 का हो, या फिर 5000 का हो, या फिर 6000 का हो, या फिर 8000 का हो, 10000 का हो, या फिर 12000 का हो, तो इन सभी का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो। तो इन सभी को समझने के लिए जो है आपको लिफ्टिंग मोड जो है वो पता होना चाहिए, और हर एक मोड में जो है उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना होगा ये भी आपको यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लिफ्टिंग मोड कैलकुलेशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।